सभी विशिष्ट अतिथिगण, ऑल द स्पेशल डिग्निटरीज हु हैव कम फ्रॉम भूटान, डियर फ्रेंड्स, भारत और भूटान के राजनीतिक संबंधों की, दिस ईयर मार्क्स द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इस ऐतिहासिक और शुभ वर्ष में प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे का भारत में हार्दिक स्वागत करना मेरे लिए हर्ष का विषय है। भूटान में इस वर्ष तीसरे आम चुनावों के सफल संचालन के लिए भूटान सरकार और भूटान की जनता दोनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन चुनावों में सफलता के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे को मेरी ओर से और सभी भारतीयों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भूटान सफलता और खुशहाली की राह पर प्रगति करता रहेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे ने भूटान के लिए उनके नैरोइंग द गैप विजन के बारे में मुझे विस्तार से जानकारी दी। मैं उनकी दूरदृष्टि की सराहना करता हूं। मुझे इसलिए भी बहुत प्रसन्नता है कि उनका विजन, हमारा जो सबका साथ सबका विकास का विजन है, उससे मेल रखता है। मैंने प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि भूटान के विकास में भारत हमेशा की तरह एक भरोसेमंद मित्र और साझेदार की भूमिका निभाएगा। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत 4,500 करोड़ रुपए का योगदान देगा। यह योगदान भूटान की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा। फ्रेंड्स, भारत और भूटान के सहयोग के लंबे इतिहास में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में सहयोग एक अहम हिस्सा रहा है। आज हमने इस महत्वपूर्ण सेक्टर में सभी संबंधित प्रोजेक्ट्स में अपने सहयोग की समीक्षा की है। यह प्रसन्नता का विषय है कि मांगदेशु प्रोजेक्ट पर काम शीघ्र ही पूरा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के टैरिफ पर भी सहमति हो गई है। अन्य प्रोजेक्ट पर भी कार्य संतोषजनक प्रगति कर रहा है और हम दोनों सभी प्रोजेक्ट्स को और अधिक गति देना चाहते हैं। हमारे सहयोग में एक नया आयाम अंतरिक्ष विज्ञान है। मुझे प्रसन्नता है कि साउथ एशियन सैटेलाइट के लाभ उठाने के लिए इसरो द्वारा भूटान में बनाया जा रहा ग्राउंड स्टेशन भी शीघ्र तैयार होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भूटान के दूर दराज के क्षेत्रों में भी मौसम की जानकारी, टेलीमेडिसिन और डिजास्टर रिलीफ जैसे कार्यों में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे ने मुझे एक खुशखबरी भी दी है। भूटान सरकार ने शीघ्र ही रुपे कार्ड्स को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। एक्सलेंसी, इस निर्णय के लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि इससे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल संबंधों को और अधिक बल मिलेगा। एक्सलेंसी, आपने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना और 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली विदेश यात्रा भी भूटान की ही थी। एक दूसरे के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए विकास की राह पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता का यह प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि आपकी यह भारत यात्रा हमारे संबंधों को एक नई गति देने में सफल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।
ताशी देलेग. Thank you, sir. It is now my pleasure to invite the Prime Minister of the Kingdom of Bhutan, His Excellency Lonchen Dr. Lote Sherin, to deliver his statement to the press.